यस्य जननि सर्वमंगलजनक शंकरो देवः श्रीकांतो मातुलो यस्य जननि सर्वमंगलजनक शंकरो देवः जनक शंकरो देवः तं वन्दे तं वन्दे तं वन्दे कुञ्जरानम् हेलो यूके यूरोप और अमेरिका के प्रिय दर्शकों, लेट अस टॉक हिंदुइज्म में एम टीवी के माध्यम से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर ब्रजमोहन गुप्ता और मेरे साथ हिंदू धर्म के प्रचारक और विद्वता की मूर्ति डॉक्टर तानाजी आचार्य विराजमान हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना आसन ग्रहण करें और उस भगवती माँ के चरणों में ध्यान लगाएं। और डॉक्टर साहब, आपसे मेरी विनती है कि आज का कार्यक्रम वेद मंत्र से प्रारंभ करें प्लीज। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। कोई नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो। अच्छा, तो हम इस मंच से अपने दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई दे देवे, आपकी अगर आज्ञा हो तो। अवश्य अवश्य। भगवान भगवती माँ आपके घर में सुख शांति का वास करे, कोरोना से आपको बचाए और हम आपकी सेवा में एक भजन प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से सुनिए, नए साल के उपलक्ष में प्लीज। क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं वर्षनूतनं ते शुभं मुदं वर्षनूतनं ते शुभं मुदं उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदं उत्तरोत्तरं भव
भवतु सिद्धिदं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं तच्च सुन्दरं सच्च तच्छिवं वर्षनूतनं ते शुभं मुदं वर्षनूतनं ते शुभं मुदं उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदं उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं हेलो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि आज हम गीता जयंती पे स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और देखिए, भगवान कृष्ण ने हमारे साथ लीला चमत्कार कर दिया। वो कैसे कि हमें आज जिस महानुभाव महान विभूति विद्वान गीता के प्रचारक जो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं, वो मुंबई में रहते हैं और इतने व्यस्त हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हमारा संबंध उनसे इतना हो जाएगा कि आज वो हमारे इस प्रोग्राम में आकर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे और आपको गीता के बारे में कुछ ऐसा जानकारी देंगे जो कि आपको पहले शायद ना पता हो। देवदत्त गंगा पुत्र दो कारणों से जाने जाते हैं। एक, उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की कि आई विल नॉट मैरी थ्रू आउट माई लाइफ, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। ये इतनी सख्त प्रतिज्ञा थी जिससे कि उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। और दूसरा जो उन्होंने प्रतिज्ञा की वो ये कि जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेंगे उनमें वो अपने पिताश्री की छवि को देखेंगे और उस हस्तिनापुर को बचाने में उसकी रक्षा करने में अपनी पूरी जीवन लगा देंगे। हस्तिनापुर पे कोई आंच ना आए, कोई शत्रु वार ना कर सके, इसका वो ख्याल रखेंगे। और वो हैं हमारे महान ज्ञानी विद्वान मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने बी आर चोपड़ा की महाभारत में एक ऐसा अभिनय किया कि वो अमर हो गए। सारे संसार में जहां जहां भी भारतवासी रहते हैं उनको जानते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ था वो भी। और मेरे विचार में तो एक ऐसे ही मनुष्य हैं जिनको के पहले और आज तक अकेले हैं जिनको ये वरदान मिला। महाभारत में जब लड़ाई हुई तो दुर्योधन के वो सेनापति थे,
दुर्योधन ने उनको प्रवोक किया, उनको कहा कि तुम पांडवों का वध क्यों नहीं करते हो, तुम उनको बचाना चाहते हो, सेनापति तो हमारे हो और काम उनका कर रहे हो। प्रवोक किया उनको, तो उन्होंने ये कहा कि ओके दुर्योधन, मैं कल शाम तक सारे पांडवों का वध कर दूंगा। ये बात भगवान कृष्ण के कानों में पड़ गई। उन्होंने कहा द्रौपदी चलो मेरे साथ। वो द्रौपदी के लेके आधी रात के समय भीष्म पितामह जी के शिविर में पहुंच गए और द्रौपदी से कहा कि जाओ पितामह श्री के पांव को हाथ लगा के उनको प्रणाम करो, बस इतना ही करना है तुमने और कुछ नहीं। वो ही द्रौपदी ने किया और पितामह के मुंह से क्या निकला, भाग्यवती भाव, भाग्यवती भाव। अब पांडवों को कैसे मारेंगे, अपने वचन को झूठा कैसे साबित करेंगे। फिर उन्होंने कहा क्या रे इतनी रात गए तुम अकेली आई हो, नहीं ये नहीं हो सकता, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा द्रौपदी ने पितामह वो तो बाहर खड़े हैं। बाहर आए भगवान कृष्ण को देखा, गले लगे तो कहा कि माधव एक तुम ही हो, कितने चतुर हो कि मेरे वचन का तोड़ तुमने निकाल लिया। तो देखो कैसे पांडवों की जान बचाई। ये वो हमारे महारथी है जिन्हें, तो हमें इस प्रोग्राम में आज मुकेश जी का स्वागत करते हुए उनका हम अभिनंदन करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि गीता के बारे में अपने अमूल्य विचारों से हमारे यूरोप, यूके और अमेरिका के बसने वाले दर्शकों की जो इच्छा है उसका पूरा करें और कृतज्ञ करें। प्रिय दर्शकों, ऐसे विद्वान और पराक्रमी का मिलना हमें एक बहुत ये बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं। आप इनके विचार ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाइए कि पितामह जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। मुकेश जी प्लीज। देखने वाले सभी दर्शकों को मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम, परंतु फिर वही परंतु, यदि ताज श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आप सभी को यही कहूंगा कि आयुष्मान भव। मुझे खुशी है कि 3 जनवरी को जो पूरे विश्व भर में गीता जयंती मनाई जा रही है, आप लोग ब्रिजमोहन गुप्ता जी के सानिध्य में यूके में गीता जयंती मना रहे हैं। इससे बढ़कर अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। गीता का प्रचार पूरे विश्व भर में होना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारा एसेट है। इसको याद करना, लोगों को समझाना। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि मुकेश जी क्या ये हमें बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ानी चाहिए, जरूर पढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन सर बच्चे कैसे गीता समझेंगे, बहुत गूढ़ है। मैंने कहा यही तो मुद्दा है कि बच्चे नहीं समझेंगे तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, और बच्चे की स्लेट खाली होती है, बच्चे की ग्रास्पिंग पावर आपसे ज्यादा होती है। आप उनको गीता धीरे धीरे समझाओगे
अगर उनको गीता से थोड़ा सा भी अंश मिला तो उनकी नींव, जो उनकी जिंदगी की नींव है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि गीता में सब कुछ है, किस तरह से जीना चाहिए, ये रहस्य है, ये क्या है, ये कहां से बनी है, विधाता ने बनाया, ये पूरी की पूरी जो हमारे जो कायनात है, हमारे सामने जो प्रकृति है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस गीता उपदेश में सब कुछ बताया। मुझे गुप्ता जी ने चंद प्रश्न पूछे हैं कि मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने के लिए। उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ क्यों दिया। मैं समझता हूं कि श्री कृष्ण ने गीता का पाठ सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया, अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व भर को दिया है, क्योंकि गीता में जो कुछ भी ज्ञान है वो जीने का ज्ञान है, जिंदगी बिताने का ज्ञान है। अर्जुन उसमें विषाद योग में था, उसे जब लगा कि उसके सामने सारे के सारे लोग उसके अपने परिवार वाले हैं, कोई नाना है, चाचा है, काका है, कोई भाई है, कोई दादा है, कोई गुरु है, तो वो मोह में पड़ गया और उन्होंने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, मैं कैसे मार सकता हूं, इनको मारूंगा तो मैं तो नरक में जाऊंगा। और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब अधर्म के, पाप के बुल हैं, तुम्हें इनको खत्म करना है। और दरअसल तो कृष्ण खुद कहते हैं कि ये सब तो मैं इनको पहले भी खत्म, मैं तो चाहता कि तुम करता बनो। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ब्यूटीफुल तरीके से पूरी वॉर रुक गई, सेनाएं कौरवों पांडवों की एक तरफ रुक गई, और बीच में आकर जब उस क्षण में जो कुछ भी हुआ, जिसमें मुझे याद है भीष्म पितामह के मुंह से मुझसे कहवाया गया था कि उस वहां जो कुछ भी चल रहा है वो बात करते हैं शायद द्रोणाचार्य से, मुझे उसका एक शब्द भी अगर मेरे को सुनने में मिल जाए ना तो मैं आचार्य, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये शब्द थे भीष्म पितामह के, ये बताते हैं आपको कि उस वक्त सिर्फ श्री कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहा था और कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ संजय वहां से दिव्य दृष्टि दी हुई थी इसलिए वो धृतराष्ट्र को सुना रहा था, और वो जिसने उस वक्त सुना वो पूरे विश्व भर के लिए संदेश था। और यही एक संदेश हमारे गीता पर है। और गीता, गीता का अगर आप मुझसे पूछो कि गीता का महत्व क्या है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज गीता हमारे जीवन की रेखा है। गीता को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता लगेगा कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, आपका धर्म क्या है, भगवान कौन है। श्री कृष्ण बताता है कि तू क्या कर, कैसे पूजा कर, बहुत सारे अध्याय, 18 अध्याय है मैं समझता हूँ, उस सब अध्याय में जो श्री कृष्ण ने समझाया, मैं आपको अगर उसको बताना चाहूँ कि मैं दो श्लोक से ही सिर्फ आपको बता दूंगा कि कितना महत्वपूर्ण था वो संदेश। आपको याद होगा एक श्लोक था, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांते बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यते। क्रोध से मोह पैदा, भ्रम पैदा होता है, इससे आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नाश हो जाती है, और जब बुद्धि नाश होती है तो आपका भी नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध कभी मत करो। आप देखते हैं अपनी जिंदगी में, आप किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं, अचानक आप झगड़े में आ जाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता जितना आप शांत होकर कर सकते हो, आपका पूरा शरीर लड़ने को तैयार हो जाता है, और फिर आप जो कुछ भी कर जाते हो वो बाद में आपको मालूम पड़ता है कि क्रोध हुआ इसलिए मैंने किया। अगर आप क्रोधित नहीं होते तो शायद आप वो काम, वो कर्म वो नहीं करते आप। इसीलिए हमेशा मैं सबको कहता हूं कि जब कभी भी आप क्रोधित हो कोई भी एक्शन मत लो, क्रोध को शांत करो। मैं भी 3 बार गहरी सांस ले लो, आपका क्रोध चला जाएगा, फिर वो गुनाह, वो जो आप काम करने जा रहे हैं शायद आप वो नहीं करेंगे। एक दूसरा श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आज के लोगों को ये कहता हूं हमेशा कि अगर आप इस श्लोक का, अगर आपने अपनी जिंदगी में इसको अपने उतार दिया, मतलब समझ के अगर आपने जिंदगी में उतार दिया, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज हर जगह मैं देखता हूं डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा सफलता की आस में, सफलता की दौड़ में भाग रहे हैं। कोई कर्म करते हैं फिर हम वेट करते हैं कि अरे इसका फल मिला कि नहीं मिला मेरे को, और जब नहीं मिलता तो आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, वहीं से डिप्रेशन भी शुरू होती है कि मैंने इतना कुछ किया मुझे क्यों नहीं मिला। ये श्लोक कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और ये छोटी सी बात अगर कोई समझ जाए कि आप सिर्फ कर्म करो,
फल मत देखो, फल श्री कृष्ण खुद कहते कि फल मैं कभी ना कभी तुम्हें दूंगा ही दूंगा। आप एक कर्म करो, उसके बाद में उसको दूसरे कर्म करो, फिर आप तीसरा कर्म करो, चौथा कर्म करो, आपको पहले कर्म का फल मिल चुका होगा। अगर आपने ये किया तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में आपको डिप्रेशन नहीं सताएगा। ये है गीता, जिसको सब कहते हैं बहुत गूढ़ है। मैं गीता के इतने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, लेकिन अगर आप गीता को सिर्फ साधारण वे से भी समझ लो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एक और प्रश्न पूछा है मुझसे उन्होंने, उन्होंने कहा है कि क्यों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य क्यों उन्होंने दूत क्रीड़ा हो जाने दी, क्यों द्रौपदी पर अन्याय हो जाने दिया, क्यों नहीं बीच में कुछ बोले। इस बात को मुझसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर आपने चीरहरण क्यों नहीं रोका, आपने दूत क्रीड़ा क्यों नहीं रखी। मैं कई बार समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आज के कलयुग है वो द्वापर युग था, उस जमाने का तप अलग था, धर्म अलग था, वचन दिया तो वचन दिया, आज ऐसा नहीं है, इसलिए आज के लोगों को वो बात समझ में नहीं आती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्रोणाचार्य आचार्य तो मैं मान सकता हूं कि वहां पर काम करते थे। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि शायद भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उन्होंने उनका खाना खाया है इसीलिए वो उनका पक्ष ले रहे हैं, ये बात मैं भीष्म जी के लिए नहीं मानूंगा। द्रोणाचार्य के लिए मैं मान सकता हूं शायद क्योंकि वहां पर वो गुरु बनकर आए थे बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन भीष्म पितामह का तो खानदान था, वो 5 जनरेशन पितामह भीष्म के सामने से गुजरे थे, शांतनु से शुरू होकर अभिमन्यु तक। तो वो कोई न दुर्योधन का दरबार था ना कोई ये धृतराष्ट्र का दरबार था कि उनको खाने के लिए कहा जाए कि आपने खाना खाया नमक खाया, इसलिए नहीं, उनकी विवशता थी। वो कई बार कहते हैं विवश हो पुत्र, विवश हो, ये विवशता अपने दी हुए प्रतिज्ञा की विवशता। वो कई बार विदुर से झगड़ा करते हैं कि आप क्यों अपने इस प्रतिज्ञा को, वो कहते हैं कि मैं विवश हूं पुत्र, मैंने अपने पिता को ये प्रण दिया था कि इस गद्दी पर जो कोई भी बैठेगा उसमें मैं पिताश्री की छवि देखूंगा और तब तक और उसमें मैं तब तक उसको मैं आग, इसीलिए बार बार धृतराष्ट्र कहता है बंद कर दीजिए, और उसको गांधारी आकर कहती है कि आप क्यों नहीं आदेश देते धृतराष्ट्र को, और फिर पितामह भीष्म कहते आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री, आदेश देना मेरा धर्म नहीं है। और बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग बोलते, जब परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। यहां तक पितामह भीष्म उस धृतराष्ट्र से इस तरह का उनका एक रिश्ता था कि वो पिता की छवि मानते थे, इसलिए वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते रहे कि रोक दीजिए दूत क्रीड़ा को, रोक दीजिए, बार बार उठते थे, बीच में देखा आपने धनुष तोड़ दिया, क्रोध था लेकिन क्रोध में विवशता थी, वो उनके अपने पिताश्री को दिए हुए आशीर्वाद की विवशता थी जो शायद आज का कलयुग का पुरुष नहीं समझ पाएगा। इसलिए बार बार प्रश्न कहते हैं आपने तो, अरे मैं खुद कहता हूं उनको कि अरे अगर भीष्म पितामह अगर 2 लाफे मारते दुर्योधन को, 2 लाफे मारते अगर शकुनी को, तो कोई दूत क्रीड़ा भी नहीं होती, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि पूरे महाभारत का सार या महाभारत का पूरे जो लक्ष्य था कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ जाने का था। यही प्रश्न उन्होंने आगे कहा कि श्री कृष्ण भी क्यों इतने लेट आए, क्यों नहीं द्रौपदी को उन्होंने पहले से ही सुरक्षित कर दिया, क्यों नहीं उनको बचाया, क्यों लेट आए जब तक उनका इतना अपमान हो चुका था। अगेन वही बात है कि श्री कृष्ण भी जानते थे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना है। जब धरती का भार जब बढ़ जाता है, रामायण में भी यही हुआ था, द्वापर युग त्रेता युग में पृथ्वी पहुंचती है कि मेरे यहां पर मेरा भार बढ़ गया है, और फिर सब देवी देवता जो हैं वो अपने अपना नीचे अवतार लेते हैं, विष्णु बन के आया था राम और विष्णु यहां बनकर आए श्री कृष्ण जी, और कृष्ण का उनका मकसद यही था, सबने अपना अपना अंश दिया, अभिमन्यु को चंद्रमा ने अपना अंश दिया, युधिष्ठिर को धर्मराज ने दिया, कर्ण को सूर्य ने दिया। तो ये सारे लोगों का मकसद था कि नीचे आकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी एंड में जाकर कि जहां पर कौरव पांडव लड़ेंगे और जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पितामह भीष्म ने भी नहीं रोका,
कृष्ण भगवान ने भी नहीं रोका, क्योंकि उन वो चाहते थे कि लोग इतने लोगों में इतनी कड़वाहट बढ़े कि कुरुक्षेत्र का मैदान सज जाए। ये है जैसे हम फिल्मों की स्क्रीन प्ले कहते हैं, ये एक तरह का स्क्रीन प्ले था जो पहले से व्यास जी ने लिखा हुआ है कि, और व्यास ने जो बताया वो यही था कि शुरुआत से ही धरती अपना भार कम करना चाहती है, क्योंकि लोग आतताई हो गए थे। लोग उस जमाने में कंस था, पुराने जमाने में रावण थे, उनको खत्म करने में दुर्योधन जो अपने अधर्म का मूल था। इसलिए मेरा जवाब ये है कि भीष्म पितामह चाहते तो दूत क्रीड़ा को भी रोक सकते थे, भीष्म पितामह चाहते तो पूरे को पूरे चीरहरण को भी रोक सकते थे, श्री कृष्ण भी पहले आ सकते थे, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि उनको महाभारत का युद्ध करना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शुरुआत ही से लक्ष्य वही बना हुआ था। सो मुझे खुशी है आप लोग गीता जयंती मना रहे हैं। मैं गुप्ता जी को एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी लोग, आप सभी योद्धा लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्री में रहकर भी, यूके में रहकर भी, पूरे इंग्लैंड में रहकर भी हमारे सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं, उन्हें लुप्त नहीं होने देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के इस कलयुग में कि आप अपने बच्चों को बताइए कि हमारा धर्म क्या था, हमारी परंपरा क्या थी, हमारे वेद पुराण क्या थे। गीता तो सिर्फ गीता है, पर हमारे पास तो चार चार वेद पड़े हुए हैं, उनके अंदर का ज्ञान अभी तक आज के युग को नहीं मिला, आज के यूथ को नहीं मिला। तो मुझे खुशी है, एक बार मैं फिर से आपको बधाई दूंगा गीता जयंती की, आप सभी को बधाई दूंगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से मनाइए और संकल्प रखिए कि आप हमेशा, मुझे तो खुशी है कि बाहर रहने वाले कभी कभी हमसे भी ज़्यादा धार्मिक, आप लोग तो और भी धार्मिक लगते हैं मुझे, जो आप अपने धर्म को बचा के रखना चाहते हैं। तो एक बार फिर से कहूँगा मैं आप सभी को, खासतौर पर गुप्ता जी को कहूँगा, विजयी भव पुत्र, विजयी भव। बहुत बहुत धन्यवाद पितामह जी आपका, आपने गीता को, गीता के ज्ञान को, जैसे कि सारा जो नदी है, समुद्र है, उसको कूजे में बंद कर दिया, आपने कितने सुंदर शब्दों में, सरल और फ्री और फ्रैंक उत्तर दिए आपने हमारे प्रश्नों के। आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि त्रेता युग में भी भारतीय नारी के साथ यही हुआ था, माँ सीता ने भी राम दरबार में आके यही कहा था कि हे धरती माँ, अगर मैंने अपने जीवन में राम के अतिरिक्त किसी और पुरुष का ख्याल किया हो तो मुझे अपनी गोद में ले ले। तो धरती माँ ने उनको अपनी गोद में ले लिया। वो कह रही थी, मैं थक गई हूं परीक्षा देते देते, कभी अग्नि परीक्षा, कभी जंगल में भेज दिया, परीक्षा ही परीक्षा, तो मैं तंग आ गई हूं, थक गई हूं, मुझे धरती माँ अपनी गोद में ले ले। यही हाल द्रौपदी का था जब द्रौपदी को पता चला कि भगवान कृष्ण अम्बेसडर ऑफ पीस बनकर कौरवों के दरबार में जा रहे हैं कि लड़ाई ना हो, शांति हो, तो उन्होंने कहा, माधव भूल गए मेरे केश, कितने दिनों से इनको मैंने धोया नहीं, और मेरा प्रण है कि इसको मैं उसके खून से, यू नो, दुर्योधन के भाई के खून से, छाती के खून से उसको धोऊंगी, तो तू तो आत्मसमर्पण करने जा रहा है। पर भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी नहीं, शांति जो है वो बहुत बड़ी चीज है, विकास शांति में ही होता है, मैं कोशिश करता हूं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो युद्ध तो है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन ये तो मरे हुए हैं, ये तो पहले से मरे हुए हैं, इनको क्या मारना, मैं तो तुम्हें श्रेय दे रहा हूं कि तुम्हारे हाथ से ये काम हो, क्षत्रिय के हाथ से ये काम हो, तुम अपना कर्म करो, डू योर ड्यूटी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें नकारेंगी। तो ये अर्जुन को गीता का ज्ञान दे करके समझाया और बहुत सी बातें करी। और ये भी हम आपको बताएंगे कि मुकेश जी को ये जो अभिनय मिला, किरदार मिला, कैसे मिला। मुकेश जी कुछ और करना चाहते थे महाभारत में, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं मिले, तो ये कैसे मिला इसके बारे में हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यूं गए और यूं आए, जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। New Sif Anti-Back and Shine kills 99.9% of bacteria and viruses, including coronavirus, and is made with a 100% naturally derived cleaning agent, helping to keep your home safe for the whole family. Sif, hello beautiful. Strength is man. Inaptius, fragrance for man. Oi, cut it out. Man is... Oh, what's happening? Forget all this nonsense. Use your nose. Aftershaves, deodorants, roll-ons, they're all about smelling good. Not success or being someone you ain't, so grab yourself some brew. It just smells good. No messing about. Love that feeling? So do we. As the UK's number one breakdown service, the AA fix 8 out of 10 cars at the roadside and can get you going again in around 30 minutes of arrival. Plus, we offer unlimited call-outs. Get that feeling. Switch to AA breakdown cover from just £6 a month. Join the AA today. Text cover to 62277. That's cover to 62277. I use Vinted to declutter my wardrobe, to give second life to the clothes I don't wear anymore. Just snap, upload your items, and set a price. Why don't you try it? Get the free Vinted app today. Now is the time to switch to Co-op car insurance. So, wherever you are along the road, we have you covered. With new prices and new features, such as our uninsured driver promise that protects your no-claims discount, there's never been a better time to switch to Co-op car insurance. Plus, if you buy direct, you'll also get a £50 Co-op gift card. Switch to us today by searching Co-op Car Insurance. Co-op. It's what we do. When it comes to equity release, we all have questions. How, for instance, does it work? Will we still own our home? Is it a good option for us? Because Key takes a personal and honest approach to equity release, we can answer all your questions, the most important of which is whether equity release is actually right for you. And if it's not, we'll tell you. All our advice is free of charge, so call us or search Key Equity Release for answers to all your questions. Key, equity release that's right for you. COVID-19 remains highly contagious, and even people without symptoms are spreading it. So we need to keep washing our hands, wearing our face coverings, and making space for each other. And now we're indoors more. We should let fresh air in to help blow COVID-19 particles away. Let's keep doing all we can to help stop the spread. Remember, hands, face, space, and let fresh air in. TalkTalk's winter deals are here, with great offers across our fast, reliable 18-month fibre broadband plans. Average speeds from 38 up to 145 megabits per second and prices starting from just £22 a month. All with award-winning online security included. Perfect for serial streamers, next-gen gamers, video callers, online shoppers and group chatters. Get high speeds at low prices with our winter deals. Search TalkTalk Fibre. TalkTalk for everyone. It's for her.
It's for him. Let's go. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month. It could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. हेलो प्रिय दर्शकों, छोटी सी ब्रेक के बाद लेट अस टॉक हिंदुइज्म में एमई टीवी के माध्यम से आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे गीता जयंती के बारे में और मुकेश खन्ना जी ने जिस प्रकार हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए फ्री फ्रैंक, और ऐसे लगा जैसे बड़ी सरल भाषा में वो प्रश्न जिनकी घटनाओं पे, महाभारत की जिन घटनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे, उन गुत्थियों को सुलझाया बड़े अच्छे और सरल भाषा में। तो अब हम आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे कुछ चीजें, जरा ध्यान से सुनिएगा। कृष्णा वॉज बॉर्न 5,252 ईयर्स अगो, दैट इज ऑन 18th ऑफ जुलाई 3,228 BC in the month of Shravan, Wednesday on Ashtami in Rohini Nakshatra at 00:00 AM. He lived 125 years, 8 months and 7 days and left for his heavenly abode on 18th February 3102 BC. When he was 89 years old, the mega Kurukshetra war took place. He lived 36 years after this war. He was born in Mathura and he killed only 4 people in his life. He killed 4 people in his life. One was Chamura, the wrestler. The other was Kansa. The third was Shishupal. And the fourth was Dantavakra. All both cousins. Life was not fair to him at all. He was born dark and he saw his cherished city Dwarka washed away. There was not a single moment when he was at peace. Throughout his life, at every time, he had challenges and even bigger challenges. He faced everything and everyone with a sense of responsibility and yet remained unattached. He is the only person who knew the past and the future, but he lived in the present, always. He said, "Aham Brahma, main hi Brahma." Wo 16 kalaye sampurna the. Bhagwan Ram 14 kalaye sampurna the. Unhone shuru se hi kaha, bachpan se hi,
वो जब लीलाएं करते थे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, लेकिन राम जी ने हमेशा क्या कहा, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। सो ही एंड हिज लाइफ इज ट्रूली एन एग्जाम्पल फॉर एवरी ह्यूमन बींग। अब देखिए राधा, राधा का नाम श्याम से पहले आता है, राधा राधे श्याम, श्याम राधे नहीं, राधे श्याम क्यों आता है, क्योंकि राधा ने हमेशा कृष्ण के लिए त्याग किया, बलिदान दे, अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अथाह प्रेम से उसके सारे जो भी कष्ट आए उनको दूर करने में सहायता की, किसने, राधा ने। लेकिन मीरा को शिकायत है, मीरा उसको शिकायत है, वो कहती है कि श्याम तेरी बंसी जब बजती है उससे राधा का नाम निकलता है और लोग मीरा को यूं ही बदनाम करते हैं। देखिए मीरा शिकायत करती है कृष्ण से और कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, कृष्ण कहते हैं जो सांवरे की जो बंसी है उसको तो बजने का काम है भैया, राधा की भी शाम और मीरा का भी शाम, वो तो सबका शाम है। वो फिर कहती है, फिर देखिए कि एक राधा और एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अपने अपने ढंग से चाहा, एक मीरा एक राधा दोनों ने श्याम को चाहा, पर अंतर क्या है दोनों में, दोनों में दोनों की जो चाह है उसमें क्या अंतर है। राधा तो प्रेम की दीवानी है, राधा वो तो प्रेम की दीवानी है और मीरा वो दर्श की दीवानी है, वो भगवान को देखना चाहती है, दर्शन करना चाहती है और इसीलिए वो जो प्रेम है वो अनंत है, वो कई युगों से चला आ रहा है। राधा और श्याम एक ही हैं, वो अलग है नहीं, ना हो सकते हैं। कृष्ण ने यही तो कहा है कि राधा और श्याम तो एक ही हैं, राधा मुझसे नाराज कैसे हो सकती है। तो इसलिए राधा का नाम श्याम से पहले आता है, राधा श्याम। पर और नाम भी हैं, सीता राम, गौरी शंकर। देखिए हमारे इतिहास में नारी का जो मान है, जो स्थान है, वो पुरुष से कहीं, यू नो, हमारे यहां तो जो पतिव्रता नारियां हैं वो अपने पति को काल की जिबड़ा से मुंह से निकाल के वापस ले आती हैं। आपको मुझे हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जान गए होंगे। तो ये भगवान कृष्ण के बारे में छोटी सी हमने एक इतिहास के तौर पे आपको बताया और वो स्वयं जब उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उन्होंने क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं
the divine teaching of Bhagavad Gita constitute a matchless heritage. इसका कोई जवाब नहीं है. That has been passed down since time immemorial. कितने अनंत काल से, युगों युगों से ये चले आ रहे हैं गीता का ज्ञान. From Lord Krishna to the Sun God, and from Sun God to Manu, the father of mankind, and today to us. Lord Krishna says, I shall teach you such knowledge endowed with the right understanding, knowing which nothing shall remain to be known in the world. Chapter 7, verse 2. Gita mein. Chapter 7, verse 2. Phir wo kehte hain, I am the Lord, your goal, maintainer, witness, cause of existence, the dissolution, kal, mrityu. I am the cause of existence, the dissolution, kal, yama, province of the demigod, place of rest, and the imperishable seed. Chapter 9, verse 18. और फिर आगे कहते हैं, I am the origin. I am the origin of all. From me, everything arises. The wise know this and adore me with great attention. Chapter 10, verse 8. और ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है. वो अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एम द मेंटेनर, आई एम एवरीथिंग. मैं तब भी था जब इस संसार में कुछ नहीं था, और मैं तब भी हूंगा जब प्रलय आएगी. मैं अनंत हूं. आई कैन नॉट डाई, आई एम नॉट बॉर्न, आई एम अनबॉर्न. अब मैं इससे पहले ये और चर्चा करूं, उन दोस्तों का, मित्रों का थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुकेश खन्ना जी को आज हमारे प्रोग्राम में ला करके हमारी सहायता की, इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया. और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज के बाद, मुकेश जी के आने के बाद, हमारा जो प्रोग्राम है लेट अस टॉक हिंदुइज्म, इसको चार चांद लग गए, इसकी शान बढ़ गई. तो आवर स्पेशल थैंक्स गो टू दोज हु विद सिंसियर एंड इंडिफेटिगेबल एफर्ट्स have made this show such an interesting, watchable, educative, and inquiring about their help. It was not, without their help, it was not possible. Our first thank goes to the most reverend and adarniya, our chief guest, Vishesh Atithi, Pujaniya Bhisham Patamaji, who gave us his blessings, Ayushman, और आखिर में विजय भव का आशीर्वाद भी उन्होंने हमें दिया. We are very fortunate that he accepted our request and participated to answer so freely and frankly all the questions we raise with him, and जिनके ऊपर, जिन कठिनाओं के ऊपर महाभारत में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं.
मैं राज जी मुंबई में जो मुकेश जी के सेक्रेटरी हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने पहले शब्द के साथ हमारी सहायता की। वो समझ गए हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। He was in loop and link with us all the time. We contacted him on Wednesday, only 4 days ago. And he made everything possible for us. He took our brief to Pitamaji and Pitamaji read everything and accepted our request. मैं हमारी बहन दिल्ली में मेरे एक बहुत परम मित्र जो कि मेरे 1949 से मेरे मित्र हैं भवन मोहन जी उनके ऑफिस में वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मेरी बहन है ज्योत्सना बहन। वो तो कमाल कर दिया उन्होंने। उन्होंने कुछ घंटों में मुझे राज जी का नंबर मुंबई से ढूंढ के दिया इन फ्यू आवर्स। सो हाउ कैन फॉरगेट हर फेवर टू मी। ज्योत्सना बहन आप अगर सुन रहे हैं तो मेरा थैंक्स स्वीकार कीजिए। राज जी को हमने पहले ही कह दिया है। और फिर मेरी लड़की शालिनी गुप्ता CA who helped in typing 6-4 full scape 6 pages enumerating my biodata and emailed it to Raj ji who in turn gave it to Mukesh Babu. तो शल्ली ने पिछले 5 दिन से जो काम किया है मैं शल्ली का धन्यवाद करता हूँ। मेरी लड़की जो नॉर्वे में है उसने भी हमें ईमेल एड्रेस दिया ढूंढ के मुकेश जी का, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और वी आर हाईली इंडेटेड टू लेट अस टॉक हिंदुइज्म की जो टीम है वी आर हाईली इंडेटेड टू श्री शेखावत जी द CEO ऑफ आवर MeTV हु took great pains to help us to make this show possible as you have seen today. And the whole team of MeTV thanks Mukesh ji for his stunningly glorious contribution to our show. We are really thankful to the whole Mukesh ji for all this. अब मैं आपको दो बहुत अच्छी सूचना देना चाहूंगा। पहली सूचना है कि 3 दिन हुए बल्कि 2 ही दिन हुए अमेरिका की एक न्यूट्रल कंपनी ने दुनिया के 13 जो टॉप के लीडर हैं उनका सर्वे किया, उनकी पॉपुलैरिटी का सर्वे किया। आपको जान के प्रसन्नता होगी मेरे भाइयों और बहनों, आपको जान के आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी जब मैं ये खुशी आपको बताऊंगा कि कौन है वो लीडर जो सारी दुनिया में नंबर 1 है। और मेरे बहन भाइयों आपको जान के अति प्रसन्नता होगी कि ही इज नन अदर देन आवर आदरणीय वंदनीय ग्रेट सोल। कौन? अरे और कौन हो सकता है? श्री नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड विथ 55% रेटिंग और
जो दूसरे नंबर पे आए वे बैक 29%। देखिए सारी दुनिया मोदी 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 के नाम को पुकारती है, जिस तरह से उन्होंने इस COVID-19 के जमाने में सारे भारतवर्ष को इकट्ठा करके संजोड़ के रखा, जो कहा भारतवासियों ने माना। और दूसरी खबर के हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, दो कंपनियों ने विदेशी वैक्सीन तैयार कर लिए हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने परमिशन दे दी है वैक्सीन लगाने के लोगों को। कल हमारे देश में फ्री रन हुआ था और 14 तारीख से ये 3 करोड़ फ्रंट रो के जो फ्रंट लाइन के जो हमारे डॉक्टर नर्सेस एम्बुलेंस के लोग पुलिसमैन फोर्सेस उन सबको 3 करोड़ इन ऐसे विशेषज्ञों को फ्री वैक्सीन लगाए जाएंगे और वो कल से काम शुरू हो रहा है। यूपी में 14 तारीख से शुरू हो रहा है। सारे भारत में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे मिलके नरेंद्र जी ने, मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगाने वालों की इतनी बड़ी संख्या ट्रेन की है कि उनमें कमी नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति जो क्रिएट की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराहना की है मोदी जी की, कि किस प्रकार इतने बड़े महाद्वीप, एक इतना 135 करोड़ जनता का इलाज करने में वो कामयाब हुए। उन्होंने अपने विज्ञानों की, अपने साइंटिस्टों के हौसले बढ़ाए, उन कंपनियों में जाकर के, उन लैब्स में जाकर के हौसले बढ़ाए। तो फ्रंट लाइन में तो वो भी आते हैं। तो हमारे मोदी जी का कोई जवाब नहीं, वो आगे आकर के हर चैलेंज का मुकाबला करते हैं। लोग हर चीज पे विद्रोह करते हैं, विद्रोह फॉर द सेक ऑफ विद्रोह, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि भगवान करे मोदी जी को वो भगवती माँ हमारे बीच में रहने की स्वास्थ्य प्रदान करे, कि वो देश को इसी तरह से हर तकलीफ से आगे ले जाते रहे। और आपसे मेरी विनती है कि आप, हम टीयर फोर में हैं, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नेशनल लॉकडाउन भी लग जाए। तो प्लीज प्लीज आप वैक्सीन जब भी आपका नंबर आए अवश्य लगाइए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए, अपने मित्रों का ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए, अपने देश में बाकी लोगों को सुरक्षित रहने में मदद कीजिए। मेरी और हमारी इस मंच से आपको विनती है, प्रार्थना है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन ऐसे कीजिए जैसे कि आप अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो आज हमें गीता जयंती के बारे में कुछ करते हुए, कुछ कहते हुए अपने अतिथि का भी सत्कार करते हैं, आपका भी सत्कार करते हैं कि आपने हमें
आशा है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आप हमें अपनी राय दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा बना सकें, इंटरेस्टिंग बना सकें, इंफॉर्मेटिव बना सकें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलिए, बिना मतलब के बाहर मत जाइए कृपया। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी।